Hey! Yazın! कहाँ गई थी? जी वो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। फ्रेंड के घर गई थी? क्या यार के घर गई थी? सच सच बता। जी नहीं, मैं सच में अपनी फ्रेंड के घर गई थी। अच्छा, तो फ्रेंड के यहाँ गई थी। तुझे फ्रेंड की चिंता है, मेरी नहीं। तुझे पता है कब से भूखा पड़ा हूँ मैं? भूख लग रही है मुझे। मुझे खाना कौन देगा? जी अभी खाना बना देती हूँ ना। अच्छा, तो अब बनाएगी तू खाना? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, जहाँ भी जाएगी मुझसे पूछ के जाएगी। अगर तू सांस भी लेगी ना तो मुझसे पूछ के लेगी, समझी? और तू ऐसे नहीं मानेगी ना, ऐसे नहीं मानेगी ना तू। निकल ऐसे। मेरा दिमाग खराब करके रख रखा है। अब मुझे ये आंसू नहीं दिखने चाहिए। ये पट्टी किसे बांध के दिखा रही है तू? तेरे इतनी चोट तो नहीं लगी थी? ये ड्रामे करने शुरू कर दिए तूने? और अब यहाँ बैठी क्यों है? चल यहाँ से। जी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात करनी थी? हाँ बक। जी वो मेरी छोटे वाली बहन के एग्जाम है और मैंने उसे यहाँ आने के लिए बोल दिया। क्या, आने के लिए बोल दिया? वो भी मुझसे बिना पूछे? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझे पता है ना वैसे मेरा काम बंदा चल रहा है। चल मना कर उसे। जैसे हाँ की है ना, ऐसे ही मना कर उसे। क्या ऐसे? और किसी को घर में बुलाने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं मैं। अपने आप ही निर्णय ले लेती है सारा। हाँ सौरभ। हेलो, कैसा है मेरे दोस्त? बस बढ़िया, तू बता। बस मैं ही बढ़िया हूँ भाई, तुझसे मिलना था। मिलना था? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ भाई सब ठीक है, बस एक जरूरी बात करनी है तुझसे, तो तू मेरे घर पे आ जा। चल ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। नहीं भाई शाम को नहीं, थोड़ा जरूरी काम है, तो तू अभी आ जा। चल ठीक है, आता हूँ। ठीक है भाई। सौरभ। हाँ आ गया भाई, आ जा। क्या हुआ, तूने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? भाई बस क्या बताऊं, वो रजनी। रजनी? क्या हुआ रजनी बहन को? वो ठीक तो है ना? हाँ भाई वैसे तो ठीक है, लेकिन लेकिन सौरभ कुछ तो बता, तुम उसे कुछ छुपा रहा है। देख जैसे रजनी तेरी बहन है ना, ऐसे मेरी बहन है, उसने मेरी कलाई पे भी राखी बांधी है। भाई वो शादी के 3 महीने तक तो ठीक थी, लेकिन अब उसका पति उसे रोज मारता है, रोज पीटता है, उसे बहुत टॉर्चर करता है। क्या, हाथ उठाता है? तो तूने कुछ किया क्यों नहीं? चल साले को सबक सिखाते हैं। लेकिन भाई हम कर भी क्या सकते हैं? उसका मुंह तोड़ सकते हैं, उसे जवाब दे सकते हैं कि मेरी बहन पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। तू चल मेरे साथ। हाँ भाई ठीक कह रहा है। हाँ चल। यार सौरभ मैं तुझसे बार बार कह रहा हूँ, ये मेरा घर है, तू एक बात बता। अच्छा तो अब मैं समझा, मुझे भूख लगी थी। अगर भूख लगी थी तो मुझसे पहले कह देता, मैं तुझे बाजार से खिला देता। भाई मुझे भूख नहीं लगी है, तू एक बार अंदर आ तो सही। आ। कहना क्या चाहता है? अरे आएगा भी ना। हाँ बोल। हाँ भाई बताता हूँ, तू अभी तक नहीं समझा ना? नहीं समझा? समझा तो क्या समझाना चाह रहा है भाई? हम रजनी घर जा रहे थे अच्छे खासे। भाभी, ओ भाभी। अब उसका क्या करेगा भाई? ये दिशा है, ये रजनी नहीं है। ये मुझे भी पता है ये दिशा है। तो तू इसे क्यों बुला रहे? भाभी हाँ। अच्छा यार एक बात बता। हाँ बोल। तेरी बहन पर बात आई तो तेरा खून खोल उठा और इतना गुस्सा करा तूने, सालों को ये कर दूंगा मार दूंगा। अरे ये भी तो किसी की बहन बेटी है, तू इसके साथ इतना बुरा सलूक करता है, तुझे शर्म नहीं आती? और एक बात और, भाभी ने मेरी कलाई पर भी राखी बांधी है,
ये मेरी बहन जैसी है और मैं अपनी बहन पे अत्याचार होते कैसे देख सकता हूँ। अच्छा मैं सब समझ गया कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आया। तू मुझे एहसास कराना चाहता था ना कि मैं अपनी बीवी पर कितने अत्याचार करता हूँ। सौरभ तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। दिशा मुझे माफ कर दो, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ। मैंने तुम पे कितने अत्याचार किए, हो सके तो मुझे माफ कर दे यार। मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? पति तो परमेश्वर होता है और परमेश्वर की पूजा नहीं छोड़ी जाती। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे माफ कर देना। नहीं दिशा, और दिशा मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। वादा। हे भगवान, सबकी जोड़ी बनाए रखना।